भारतीय सेना ने 130 अत्याधुनिक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ड्रोन निगरानी के साथ ही लघु भूमिका में भी सक्षम होगी। इसकी तैनाती से सीमाओं पर भारतीय सेना की और बेहतर तरीके से दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। ये खास तरह के ड्रोन आपातकालीन क्रय प्रक्रिया के तहत खरीदे जा रहे हैं। इस त्वरित गति वाली प्रक्रिया में कुछ हफ्तों में ही ड्रोन सेना को मिल जाएगी। इस ड्रोन से उस ठिकानों में हो रही गतिविधियों की जानकारी सेना को मिल सकेगी जो दृष्टि से दूर होते हैं, अर्थात सीमा पार होते हैं। इसके जरिए सेना को अतिरिक्त जानकारी मिल सकती है जो दृष्टि खुफिया सूचना होगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना चीन से लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लगातार स्थिति मजबूत करती जा रही है। ऐसा मई 2020 में चीन की सेना द्वारा पूर्वी लद्दाख में LAC के अतिक्रमण के बाद हुआ है। शांति और युद्धकाल में ड्रोन की बढ़ती भूमिका के चलते भारतीय सेना इसका इस्तेमाल बढ़ाती जा रही है। पता चला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO कई तरह के ड्रोन के विकास पर कार्य कर रही है।